तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता, तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे लिखने का तरीका थोड़ा अलग सा है। आप उसको कविता और गज़ल के बीच वाला कुछ और समझिएगा, क्योंकि कविता उसको कहना मैं नहीं मानती कि ठीक होगा, और गज़ल वो मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी पहली जो लिखने की ज़रूरत की थी उसको आप लोगों के आगे सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ सुधार हो तो भी मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहला जो मैंने लिखा था, सुनिएगा। बात जो कभी हुई ही नहीं, बात जो कभी हुई ही नहीं, आज उस बात पे रोना आया। बरसों गुजार दिए जिनके साथ, बरसों गुजार दिए जिनके साथ, आज उन हालात पे रोना आया। बिछड़ते वक्त फिर भी संभल गया था दिल, बिछड़ते वक्त फिर भी संभल गया था दिल, आज उस आखिरी मुलाकात पे रोना आया। बरस दर बरस जो दबे रह गए थे कहीं, बरस दर बरस जो दबे रह गए थे कहीं, आज उन जज्बात पे रोना आया। जवाब ढूंढ ढूंढ कर गुजार दी है जिंदगी, जवाब ढूंढ ढूंढ कर गुजार दी है जिंदगी, आज उन सवालात पे रोना आया। उसको पा जाने की खातिर जो किए थे गुनाह, उसको पा जाने की खातिर जो किए थे गुनाह, आज उन मलालात पे रोना आया। बात जो कभी हुई ही नहीं, उस बात पे रोना आया। जी प्रकाश आ गए हैं, ये हमारे साथ शोधार्थी हैं हमारी ही बैच के, जसमोहन आंटी आई हैं। आंटी स्वागत है आपका। अब बताइए अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरा दूसरा जो जुर्रत थी, मैं अपने लिखे हुए को जुर्रत कहती हूँ क्योंकि लिखना मैं मानती हूँ कि ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि मन में जो होता है उसको बताते भी रहना चाहिए, लेकिन बताने की जो हिम्मत है मुझे लगता है बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। खैर, मेरी दूसरी जो रचना है, जाहिर सी है कोरोना ने हम सभी पर प्रभाव डाला है, एक तरीके से दुष्प्रभाव ही हम उसको कहेंगे, कि हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ गए हैं, हर कोई घर पर रह रहा है। तो जिन लोगों को घर पर रहने की आदत नहीं है उन लोगों के लिए, खासकर मुझ जैसों के लिए, ये काफ़ी तकलीफ देह ही होता है। तो इस पर मैंने लिखा था कि सोचती हूँ कि क्या बदला, सोचती हूँ कि क्या बदला, न दिन बदली न रात बदली न दिन बदला, सोचती हूँ कि क्या बदला, न रात बदली न दिन बदला, दूरियाँ बढ़कर खुद भी परेशान हैं, दूरियाँ बढ़कर खुद भी परेशान हैं, न तुम बदले न मेरा दिल बदला। आगे है, हाँ वीरानी सी छाई है हर तरफ, वीरानी सी छाई है हर तरफ, न तेरा शक बदला न मेरा वहम बदला। सारी कायनात डर से सराबोर है, सारी कायनात डर से सराबोर है, न मेरा खुदा बदला न उसका करम बदला। आगे हैं, हर कोई कर रहा है जद्दोजहद पेट की आग बुझाने के लिए, हर कोई कर रहा है जद्दोजहद पेट की आग बुझाने के लिए, एक तबका है इस दुनिया में जिसकी न नीयत बदली ना स्वाद बदला। धन्यवाद। प्रकाश आए हैं, जसमोहन आंटी हैं, प्रीति अमित गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। प्रतिभा मैडम जी आई हैं, मैडम जी नमस्कार आपका।
आपका नाम सुनकर मैं थोड़ी नर्वस हो गई हूँ देखकर। प्रतिभा मैडम अक्सर मुझे सराहना देती हैं और वो भी इतना अच्छा लिखती हैं कि उनको देखकर मन करता है कि मैं भी कुछ लिखूं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी छोटी गलतियों को माफ़ कर देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही शायद कोरोना का ही समझिए कि प्रभाव है। तो एक और मैं एक छोटा सा शेर है सुनाने सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, कि जो हाल पूछते हैं हमारा उनके लिए लिखा है मैंने, कि न पूछा करो हाल हमसे बताया न जाएगा, न पूछा करो हाल हमसे बताया न जाएगा, जख्म जो अपनों ने दिए उन्हें दिखाया न जाएगा। न पूछा करो हाल हमसे बताया न जाएगा, जख्म जो अपनों ने दिए उन्हें दिखाया न जाएगा। कहने को तो सारे हम सफ़र हैं मेरे, कहने को तो सारे हम सफ़र हैं मेरे, महज दो कदम का साथ उनसे निभाया न जाएगा। ये मैंने उनके लिए लिखी थी जो अक्सर वादे करते हैं निभाने के, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इंसान है तो जाहिर सी बात है चूक होना ज़रूरी भी है। कृष्णा, नाइस लाइन्स, थैंक यू। शुक्रिया मैडम, आपको बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरे लिखने का एक ही पैटर्न होता है कि मुझे, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्या बताऊं, कहीं ऊब ना जाए कोई, ये डर लगता है बस। तो दूसरा है, एक ऐसा ही छोटा सा शेर है, कि बहुत एहसास दिलाता है तेरा एहसास ना करना, बहुत एहसास दिलाता है तेरा एहसास ना करना, खफा भी होते हो तो इजहार ना करना, साथ निभाना नहीं तो बेशक चले जाना, साथ निभाना नहीं तो बेशक चले जाना, मगर मैं बदल जाऊं ये इंतज़ार ना करना। धन्यवाद। ये मैंने हाल ही में लिखा था। इसके अलावा एक और है जो मैंने, शायद मैं डिग्री में थी, 2010 के आसपास की बात है, तभी एक शेर अधूरा छोड़ दिया था मैंने, उसको हाल ही में मैंने पूरा किया। इतना खास तो नहीं है लेकिन सुनाने की हिम्मत कर रही हूँ आज। मेरा वजूद कहाँ अब किसी फसाने में, मेरा वजूद कहाँ अब किसी फसाने में, हम एक चीज़ बन के रह गए ज़माने में। इतना लिखा था मैंने, इसके आगे की लाइन जो है अब सुनाती हूँ, कि मेरा वजूद कहाँ अब किसी फसाने में, हम एक चीज़ बन के रह गए ज़माने में, भरोसा कर लिया होता तो शायद मलाल ना होता, भरोसा कर लिया होता तो शायद मलाल ना होता, ज़िंदगी गुजार दी हमने सबको आजमाने में। एक और ऐसे ही छोटे छोटे जो एक लाइन वाले जो शेर होते हैं उन्हें भी कभी कभी लिखने का प्रयास करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो मुझे नीचे बताइएगा कमेंट करके। कि ये भी हाल ही में लिखा था, छोटी छोटी खुशियों की बड़ी कीमत वसूल रही है, छोटी छोटी खुशियों की बड़ी कीमत वसूल रही है, ऐ ज़िंदगी तू भी बड़ी महंगी हो रही है। जी कृष्णा, शुक्रिया आपका। और एक है शेर, तो किसी को चुभ जाए तो माफ़ कीजिएगा, देखते हैं। कि लिखा था, उसे इस बात का गुरूर है, उसे इस बात का गुरूर है कि मेरा उसके सिवा और कोई नहीं। दर्द से भरा है, हाँ कभी कभी होता है, चलिए किसी को तो समझ में आया। अगला सुनाती हूँ, मैं बेकार की बातें नहीं करती, बस अपने शेर सुनाऊंगी और चली जाऊंगी। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ बताना है तो आप कमेंट करिए।
ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं लिख रही हूँ वो किसी के दिल में जा भी रहा है या ऐसे ही सुना रही हूँ। तो हाल ही में ईद गई, इस लॉकडाउन की वजह से कोई खासकर मिलने तो आए नहीं, तो ईद के दिन ही मैंने लिखा था इसको, पढ़ रही हूँ। अगर पसंद आए तो मुझे बताइए कि आज ईद है, आज ईद है बिना दीद के मुलाकात जैसी, आज ईद है बिना दीद के मुलाकात जैसी, बेतरतीब जज्बात जैसी, बेतरतीब जज्बात जैसी, कभी न बुझने वाली प्यास जैसी, आज ईद है अधूरे से ख्वाब जैसी, बेरंगे गुलाब जैसी, सूखे हुए तालाब जैसी, आज ईद है तेरे बिना भी ईद कैसी, बिन मौसम बरसात जैसी, दर्द भरे अजाब जैसी, आज ईद है। जी बस इतना ही था, ये देखते हैं शायद अगली ईद तक, अगर लॉकडाउन बढ़ा तो इसको मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगी। शुक्रिया मैडम। लक्ष्मी जी बता रही हैं कि माँ के बारे में कविता बताइए प्लीज़। मैंने हाल ही में लिखी थी, जिसे रजिया जी ने सृजन लोक प्रकाशन में उन्होंने पढ़कर सुनाई थी, आज लक्ष्मी जी पूछ रही हैं तो मैं उनके लिए सुना रही हूँ। ये मैंने मदर्स डे पर लिखा था, खासकर मेरी माँ के लिए। जन्म तो एक माँ ने दिया है, लेकिन एक और शख्स भी हैं जिन्हें मैं माँ से बढ़कर ही मानती हूँ, और वो हैं भी। तो लिखा था कि सुना है खुदा बंदे को 70 माओं जितना प्यार करता है। जी कहा जाता है कि खुदा हर एक इंसान को 70 माओं जितना प्यार करता है, ये इस्लामिक मान्यता है। तो सुना है कि खुदा बंदे को 70 माओं जितना प्यार करता है। हैरान हूँ मैं, क्या तुमसे ज़्यादा भी कोई मुझे प्यार कर सकता है? मेरी हर छोटी बड़ी गलती को जिस तरह अनदेखा किया तुमने, माँ मेरी हर छोटी बड़ी गलती को जिस तरह अनदेखा किया तुमने, क्या खुदा भी उसी तरह सब माफ़ कर सकता है? माँ मैं सोचती हूँ मेरा भविष्य सिर्फ तुम लिखो। माँ मैं चाहती हूँ कि मेरा भविष्य सिर्फ तुम लिखो, क्योंकि बेटी के नसीब में दुख कोई पत्थर दिल ही लिख सकता है। आगे है, तुम्हें हमेशा खुश देखना स्वार्थ है मेरा, तुम्हें हमेशा खुश देखना स्वार्थ है मेरा, तुम्हारे अलावा कौन है जो ये जिद पूरी कर सकता है? तो आगे है, मेरी दुआ है अगले जन्म में भी मुझे माँ के रूप में तुम मिलो। मेरी दुआ है अगले जन्म में भी मुझे माँ के रूप में सिर्फ तुम मिलो। माँ बस ये इकलौती ख्वाहिश है जिसे तुम नहीं बस खुदा पूरी कर सकता है, क्योंकि वो है, वही है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। धन्यवाद। लक्ष्मी जी की सुना दी मैंने कविता, और कोई कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मुझे खुशी होगी। और एक मैंने लिखी थी कि जब मन ऊब जाता है, कभी कोशिश करो असफलता मिलती है, लेकिन असफलता ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरक भी होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इंसान एक कदम पीछे लेता है तो उसी तेज़ी से वो आगे भी बढ़ता है। तो ये सिर्फ प्रयास ही नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। तो इसी पर मैंने कुछ लिखा था, आपको सुनाने की जुर्रत कर रही हूँ, जुर्रत ही की थी लिखने की। तो लिखा था मैंने कि दिल उठ सा गया है, जाहिर सी बात है एक कोशिश करने के बाद जब असफलता मिले किसी भी चीज़ में, तो इंसान है जाहिर सी बात है उदास भी होता है। तो लिखा था कि दिल उठ सा गया है ये बेरुखे अंदाज से, ये बेरुखे अंदाज से, इस लहजे से, यूं अनजान रहने के रवैये से, दिल
उठ सा गया है। इस बेपरवाही से, ये जुदाई से, तेरी इस रुखाई से दिल उठ सा गया है। हालात से, ख्यालात से, इन बेकाबू जज्बात से दिल उठ सा गया है। इस बेबसी से, ये बेरुखी से, खाली पड़ी इस जिंदगी से दिल उठ सा गया है। टूट के बिखर जाने से, तेरे हर वही बहाने से, दिल तोड़ के मुस्कुराने से दिल उठ सा गया है। यूं ही हमेशा टूटने से, इस तरह दम घुटने से, तेरे बेवजह यूं रूठने से दिल उठ सा गया है। अब दिल उठ सा गया है। धन्यवाद। आखिर माँ हैं। धन्यवाद जी लक्ष्मी जी। अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये बताइएगा मुझे यहाँ, या शायद आप कहीं और भी बताना चाहें व्हाट्सएप पर तो भी चलेगा। वैसे मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी, तो मुझे कुछ देना चाहें इसके बदले में तो स्वागत है आपका। प्यार दे दीजिएगा, उसी की कमी रहती है इंसानों को। हाँ कोई मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ तो आ रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है मैं सुनाती हूँ अपने स्टूडेंट्स। अरे मैं तो स्टूडेंट्स को, अरे माफ़ कर देना मैं भूल ही गई। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए तो कुछ लिखा नहीं है, पर जल्द ही जब भी लिखूंगी मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। तो आगे जो मैंने लिखा है सुनाती हूँ कि तेरे न मिलने से परेशान हूँ मैं, तेरे ना मिलने से परेशान हूँ मैं, लगता है खुद के घर में मेहमान हूँ मैं, लगता है खुद के घर में मेहमान हूँ मैं। कमबख्त दूरियों ने किया है लाचार मुझको, कमबख्त दूरियों ने किया है लाचार मुझको, नींद में भी लगता है कि बेदार हूँ मैं, बेदार यानी जगे हुए, नींद में भी लगता है कि बेदार हूँ मैं। मेरे अजीज़ों ने गले लगाकर गला दबाया ऐसे, मेरे अजीज़ों ने यानी करीबी रिश्तेदार दोस्त, अजीज़ों ने गले लगाकर गला दबाया ऐसे, अब अपने हर एक दोस्त से खबरदार हूँ मैं। सारे दोस्त तो नहीं लेकिन कुछ लोगों से खबरदार रहना पड़ता है, तो अपने हर एक दोस्त से खबरदार हूँ मैं। खुदा की दी हर सज़ा मंजूर है मुझे, खुदा की दी हर सज़ा मंजूर है मुझे, क्योंकि सजदों में भी मैंने तुझे मांगा गुनाहगार हूँ मैं, सजदों में भी मैंने तुझे मांगा तो गुनाहगार हूँ मैं। इस तरह हर गुनाह की हिस्सेदार हूँ मैं, इस तरह हर गुनाह की हिस्सेदार हूँ मैं, जो पा रही हूँ उसकी खुद ज़िम्मेदार हूँ मैं, जो पा रही हूँ उसकी खुद ज़िम्मेदार हूँ मैं। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको अच्छी लगी, धन्यवाद इसका। आदम अली जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अगली जो मैंने लिखा था किसी ख़ास इंसान के लिए ही लिखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान ख़ास हो वो ज़िंदगी में हो, हो सकता है वो कल्पना भी हो। तो आप इंसान माने या कल्पना, ये आपके ऊपर है। तो जो लिखा था उसमें सुनाई देती हूँ, ये मैंने काफ़ी दिल से लिखी थी, तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गौर से सुनिए, क्योंकि मैंने दिल से लिखी थी तो मैं चाहूँगी। गुनाहगार कैसे हुई पता नहीं, सजदों में किसी और को मांग लेना गुनाह ही तो है ना, है ना। सजदा होता है सिर्फ खुदा के लिए, हम उसके अलावा कुछ सोचें ये गुनाह ही होता है शायद, मुझे ऐसा लगा। तो जो लिखा था, जुरत कर रही हूँ दोबारा से सुनाने की, ये मेरे लिए बहुत ख़ास शेर हैं इसमें जो मैंने लिखे थे, जो जज्बात हैं उनको बताने की कोशिश की थी।
सफल थी या विफल मैं नहीं जानती, पर कोशिश मैंने की थी तो आपको सुना रही हूँ कि मैं वो वाकिया जिसका बयान, तो वाकिया कहते हैं इंसिडेंट, एक घटना, और बयान यानी उसको बयान करना, उसको एक्सप्लेन करना, कि लिखा है मैं वो वाकिया जिसका बयान तो, मैं वो अजान जिसकी नमाज तो, मैं वो वाकिया जिसका बयान तो, मैं वो अजान जिसकी नमाज तो, मैं वो नेकी हूँ जिसका सवाब तो, मैं वो नेकी हूँ जिसका सवाब तो, मेरी हर खुशी का हिसाब तो, मेरी हर खुशी का हिसाब तो, मैं वो मज़हब जिसका ईमान तो, मैं वो मज़हब जिसका ईमान तो, मैं वो सवेरा हूँ जिसकी शाम तो, मैं हूँ रास्ता तो सफ़र है तू, मैं हूँ रास्ता तो सफ़र है तू, जहाँ हूँ बसी वो शहर भी तू, जहाँ हूँ बसी वो शहर भी तू, मैं अगर हूँ दुआ तो असर है तू, मैं अगर हूँ दुआ तो असर है तू, वो मुसाफिर हूँ जिसका घर है तू, वो मुसाफिर हूँ जिसका घर है तू, क्या मांगूँ खुदा से जो मिल जाए तू, क्या मांगूँ खुदा से जो मिल जाए तू, हासिल है खुदा बस मिल जाए तू, हासिल है खुदा बस मिल जाए तू। बस इतना ही था वो, अगर आपको पसंद हुआ तो बताइएगा मुझे। बीच में मुझे बताते रहिएगा कि मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। और कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। जी कोई और कविता सुनना चाहते हैं? खुशी, एकदम बढ़िया बोला मैम, थैंक यू। तो आपको कुछ पूछना है? बस इतना ही सुनाना चाहती थी आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रतिभा मैडम ने, जिन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, मेरे शोधार्थी साथी हैं लक्ष्मी, प्रकाश, शोभना, कृष्णा वगैरह, अगर किसी का नाम नहीं लिया हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि कुछ लोगों का नाम ले भी नहीं सकती, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से ही शायद मैंने इतना लिखने की ज़रूरत की है। तो बस आदम अली साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बुलाया, ये अवसर दिया कि मैं लाइव आकर अपना लिखा कुछ सुना सकूं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद अर्पित करती हूं। प्रतिमा मैडम बहुत अच्छी प्रस्तुति, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैम, आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, हम सभी पर, हम सभी शोधार्थियों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। बस इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी, और जिन्होंने भी मुझे सुना, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा ये पहली बार ऐसी ही लाइव आने की मैंने हिम्मत की है। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं विदा लेती हूँ, धन्यवाद।